हम ये किसी चौधरी का, राजा साहब का, ये गुजर साहब, जाट साहब का जनाजा पढ़ने के लिए वो अपनी अपनी रिश्तेदारियां निभाने के लिए चले जाते हैं। खुदा कसम बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि हम चांद लोग होते हैं जो जनाजा पढ़ना। इस इलेक्शन में मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाई नदीम ने भी प्रेरित लगा, इसी बहाने इस मस्कीन का जनाजा भी पढ़ा गया। ये इलेक्शन की फजा थी, तो क्या ये अच्छा हो कि हमारे अंदर ये चीज पैदा हो जाए कि ये भी हम में से है, ये जो बुजुर्ग हैं, इनके ये जो लावारस हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, इनका ख्याल हमने रखना है। हम नहीं रखेंगे तो कोई बाहर से आके नहीं रखेगा। बाकी मैं इन सब मेहमानान गिरामी का अंतहाई शुक्र गुजार हूँ और मशकूर हूँ जो यहाँ तशरीफ लाए और हमें इज्जत बख्शी और अपना कीमती टाइम निकाला। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। अभी मैं निकालने से दरिया बहता है तो जब कतरों से बात निकल के तो हजारों में आ जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बजाहर यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि ये दिखावा नहीं है, ये एक दूसरे को देखा देखी हौसला अफजाई है। अगर हम बुरे काम को देखें तो जल्दी से नक्शे कदम पर चल जाते हैं, तो कहते ना दो कदम असि बात करा कि असं इन्होंने घाटा, तो फिर अच्छे काम लिए भी कहना चाहिए कि असं इन्होंने घाटा, असं भी दो कदम काम हाथ के रहे। तो मेरे एक उस्ताद कहते होते हैं कि अगर हम बुरे काम को किसी को देख के करते हुए तो हम कहते हैं जी असि इतना दो घाटा चार हाथ वाता, तो फिर नेक काम में भी दो कदम अगे होना चाहिए साथ। तो मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ, इदारा चेक जो है इदारे की बहबूद के लिए दिया है। थैंक यू वेरी मच मैडम, और आप सबकी तालियों ने उनके शुक्रिया का इजहार कर दिया। इसके साथ ही मैं जनाब एजाज डार साहब को दावत देती हूँ, वो आए और जो अपने दिल में आशाएं, जो सोचे, जो जज्बे लेके वो आए हैं वो इजहार करें उनका, ताकि हम में और कुवत और मोहब्बत और जज्बे बढ़ जाए। थैंक यू। गुजारिश है नाथ फरमाए मुकर्रा नाथ जगह कदे कीती है, लेकिन एक चीज है जो भी काम खलाई काम हो रहा है उस काम में हमेशा कोई जाती मुफाद या कुछ कम शौरी या कोई इस किस्म दे किसी मुकरे नाल काम कीता जाए कि मैं इसका जो कुछ भी हासिल करना मैं वो सिर्फ अल्लाह की जात ही करना है, वो शायद इस नेक काम करने वाले मेरे कोई बख्शन का जरिया बन जाए। अगर इस जज्बे ऐसा काम करना है तो फिर तो इंशाल्लाह वजीर जरा है वो किसी मामले च भी नहीं हो सकता। इंसान का हौसला भी ठीक रहता है, अल्लाह का एतमाद एतमाद जरा भी ठीक रहता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी काम कोई असा तफरीक पाने वास्ते किसी नाल नहीं करना, किसी तफरीक नहीं पानी कि फलाना बंदा जरा इसे च हिस्सा पाता है या नहीं पाता या ये काम करता है या नहीं करता, ये सारे इस गलत कोई नहीं है। जिसने भी ये काम करना है उसने अल्लाह की रजा वास्ते करना है तो उन्होंने अल्लाह की तरफ जजा मिलनी है। अगर नहीं करता कोई कोई तामन नहीं करता तो उनकी अपनी किस्मत है, उस दे अगर अच्छा वो काम करेगा हो सकता हो किसी अदारे में जो काम करता होगा तीसरे अदारे में काम करता होगा। बाकी वो कुछ इन चीजों में समझ आ रहा है कि ये नहीं ठीक है नहीं ठीक, वो अपनी राय के मुताबिक तनकीद करता है। उसकी तनकीद नाल ये नहीं भाई हौसले जेड़े दे पस्त लेने चाहिए इंसान, बल्कि मजीद हौसले जेड़े इंसान दे। दूसरी गल यह है कि वो काम कोई भी तुम जो फलाई काम समझते हो, मेरा तो यह कहना है कि उसमें बगैर सोचे समझे
سوتے سمجھے تو نہ تعاون کرو. ہر شعبے نو اساں کنٹیکٹ کیتا ہوا. ساڈے ارادے بھی جڑے ہیں رابطے وہ بھی محدود ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں, میں محسوس کرنا, میں اس عرصے تھی کام کر رہا ہوں, اس کام سمجھ سوچ کے یہ کرنا. میں اور بھی ادارے ہیں کافی کام کرنا ہوں, لیکن میں کدھر بھی کوئی نمایاں جڑا ہے نا وہ نہیں اپنے آپ ظاہر کرنا چاہتا, کیونکہ صرف اللہ کی ذات کو اس کا اجر لینا ہے.